दोस्तों आईपीएल 2024 को शुरू हुए अभी बस कुछ ही दिनों का समय हुआ है और आईपीएल 2024 अपने रोमांच के पीक पर जा पहुंचा है। आज आईपीएल 2024 का चौथा मुकाबला खेला गया जो कि राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुआ। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने एलएसी के गेंदबाजों को रिमांड में लेते हुए ग्राउंड के चारों तरफ खदेड़ के मारा और उन्होंने गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। चाहे वह नवीन उलंक रहे, यश ठाकुर रहे, रवि बिश्नोई रहे या फिर मोहसिन खान रहे, सभी गेंदबाजों को संजू सैमसन रिमांड में लेते हुए जमकर कूटा, जिसको देखने के बाद फैंस काफी खुश हो गए क्योंकि ये साल है T20 वर्ल्ड कप का और T20 वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन का फॉर्म में आना सेलेक्टर्स के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है क्योंकि संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप के लिए एक दावेदार के रूप में इस आईपीएल के बाद सबके सामने आ सकते हैं और उनका ट्रेलर हमें देखने को मिल गया आईपीएल के चौथे मुकाबले में ही। वही संजू सैमसन की टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से और भी बल्लेबाजों ने जमकर रन बसाए, खासकर रियान पराग जो कि आज आईपीएल में काफी लंबे समय के बाद एक बेहतरीन फॉर्म में नजर आए। हम सबको पता है कि राजस्थान रॉयल्स रियान पराग को काफी लंबे समय से टीम में रखी हुई है, लेकिन रियान पराग का कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस किसी को याद नहीं है जो फैंस को खुश करता हो या फिर मैनेजमेंट को खुश करा हो। रियान पराग हमेशा ही राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ही खेलते हुए हमें नजर आए और हर समय हमें डिसअपॉइंट ही किया है, लेकिन इस बार उन्होंने आईपीएल के पहले मैच में ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उन्होंने 29 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली, जिसके कारण इस बार शायद लग रहा है कि रियान पराग अपने फॉर्म में नजर आ सकते हैं क्योंकि डोमेस्टिक में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस साल। और इन सभी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स 193 रन के स्कोर तक पहुंचने में कामयाबी पाई। वहीं अगर एलएसी के गेंदबाजों की बात करें तो कोई भी गेंदबाज आज राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को रोकने में नाकामयाब रहे, चाहे वो यश ठाकुर रहे, रवि बिश्नोई रहे या फिर नवीन उलंक जैसे कोई भी गेंदबाज रहे, कोई भी गेंदबाज आज राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन के सामने टिक नहीं पाया और सभी गेंदबाजों ने जमकर रन उठाए। यश ठाकुर ने तो आज 3 ओवर में 43 रन उठा दिए जिसके बाद उनको चौथा ओवर दिया भी नहीं गया। वहीं नवीन उलंक को 2 विकेट जरूर मिले लेकिन उन्होंने भी 4 ओवर में 41 रन उठा दिए। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से बल्लेबाजों ने आज कुछ खासा प्रदर्शन नहीं किया जिसके कारण टीम को हार मिली। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से केएल राहुल और निकोलस पूरन ने ही आज टीम को संभालने का काम किया। केएल राहुल ने 44 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल है। इस इनिंग के बाद भी आज टीम को जीत नहीं दिला पाए। वही लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही। ओपनिंग करने के लिए केएल राहुल और डीकॉक मैदान पर उतरे तो उम्मीद था कि एक अच्छा शुरुआत देखने को मिलेगा, लेकिन डीकॉक बोल्ट के हाथों आउट हो गए जिसके बाद पारी को संभालने का काम केएल राहुल ने किया। हालांकि केएल राहुल एक छोर पर टिके रहे और दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। केएल राहुल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 44 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल रहे। केएल राहुल के अलावा अगर कोई बल्लेबाज लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मैदान पर टिकने की कोशिश की तो वो रहे निकोलस पूरन, जिन्होंने 41 गेंदों में 64 रनों की जुझारू पारी खेली। हालांकि निकोलस पूरन के पारी के बदौलत भी लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच को जीतने में नाकामयाब रही। वहीं अगर राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजों की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट एक बार फिर से हमें पुराने वाले फॉर्म में नजर आए। उन्होंने अपने पहले 2 ओवर में ही 2 विकेट चटका लिए जिसके कारण लखनऊ सुपर जायंट्स मैच में वापसी ही नहीं कर पाई और लगातार विकेट गिरता रहा लखनऊ सुपर जायंट्स का। वहीं नेल बर्गर ने आज 3 ओवर में 30 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम किया। रविचंद्रन अश्विन ने 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। आवेश खान को आज 1 भी विकेट नहीं मिला, उन्होंने 3 ओवर में 21 रन लुटाए। और युजवेंद्र चहल एक बार फिर से वापसी करते हुए नजर आए क्रिकेट के फील्ड पे और उन्होंने 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट अपने नाम करा। संदीप शर्मा को भी आज 1 विकेट मिला, उन्होंने 3 ओवर में 22 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम किया। आज राजस्थान रॉयल्स को 20 रनों से जीत मिली। दोस्तों आपका राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में से फेवरेट टीम कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।